हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो जिनकी टमी बाहर निकल गई है और वो अपने मोटापे को लेकर बहुत ज़्यादा ही परेशान है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ऐसा क्या नुस्खा आप ऐसा ट्राई करेंगे जिससे आप अपने बढ़ी हुई टमी को आसानी से हटा सकते हैं, आसानी से रिमूव कर सकते हैं और उसे कैसे निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे पास एक कटोरी में एक मैंने जीरा लिया हुआ है, एक हनी का बॉटल है और एक स्पून है। तो फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है, आज के बढ़ते हुए समय के साथ साथ बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग पीपल्स रह गए हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो जीरे को लें, पानी को उबालें, ठंडा करें, पिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा नुस्खा बताया जाए जिससे आप सीधे ही इसको यूज़ करें और आसानी से इसके रिजल्ट्स आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं इसका यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, सबसे पहले हाँ, और एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जीरे में ऐसी क्या खासियत है जो आपके टमी फैक्टर को रिमूव करता है। फ्रेंड्स, जीरा, जैसे हम जानते हैं, जीरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है, बूस्टअप करता है और हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ ये बढ़ी हुई जो हमारी पेट की चर्बी होती है उसको कम करने के लिए बहुत ही सहायक होता है। और जो हमारा हनी होता है, हनी हमारे स्किन के लिए कितना यूजफुल है ये तो हम सभी जानते हैं। जितने भी हमारे स्किन में ग्लोइंग फैक्टर होता है, नरिशमेंट फैक्टर होता है, वो हमें इस हनी के थ्रू ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको बताने चाहती हूँ कि इसे हम क्विक कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास हनी का बॉटल है। इसे 1 टीस्पून के आसपास आपको हनी लेना है। इसके बाद आपको इसमें 1/2 टीस्पून के आसपास जीरा का मात्रा इसमें ऐड करनी है और इसे फ्रेंड्स कुछ इस तरह आपको मिक्सअप करना है और डेली आपको इसे च्यू करना है। और इसे च्यू किस तरह करना है और किस टाइम पे करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बस इस तरह से लीजिए और अपने मुंह में इसे डालिए और प्रॉपर तरीके से च्यू करिएगा। फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसे आप यूज़ किस तरह करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इसे मॉर्निंग में खाली पेट लीजिए। इसके बाद आपको इसके 10 से 15 मिनट बाद 1 से 1.5 गिलास आपको गर्म पानी लेना है। और फ्रेंड्स, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको 1 घंटे के आसपास कुछ भी नहीं खाना है, किसी प्रकार का ब्रेकफास्ट नहीं करना है और कुछ भी नहीं खाना है, अगर जहाँ तक पॉसिबल हो सके। और इसके बाद आप इसे कब ले सकते हैं, इसके बाद आप इसे नाइट में खाना खाने के 2 घंटे बाद आप इसे इसी तरह तैयार कीजिए और इसे लीजिए और मुंह में प्रॉपर तरीके से च्यू करिए। उसके बाद आप गर्म पानी लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया था, 1 से 1.5 गिलास के आसपास गर्म पानी पीजिए और इसे छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप टमी को जल्दी से जल्दी रिमूव करना चाहते हैं तो जहाँ तक हो सके दिन में आप जितने बार भी अपना वाटर ड्रिंक करते हैं उसे लुक वाटर, जिसे हम थोड़ा गुनगुना पानी भी कहते हैं, उसे आप ड्रिंक करने के लिए यूज़ करिए। क्योंकि गर्म पानी के पीने की वजह से टॉक्सिन से जल्दी से जल्दी रिमूव होने की कोशिश करते हैं और बैड जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं उसको जीरा और हनी दोनों मिलके पूरी तरह बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी से पूरी तरह रिकवर हो जाता है, पूरी तरह रिमूव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, तो आपको आज का मेरा यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।